करता हूँ। ये देखिए मेरे ट्रायंगल हार्ट वाइन, और आप देख रहे हैं उसमें बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे फ्लावर आए हुए हैं वाइट और पिंक शेड में, ये देखिए। तो आज मैं इसी के बारे में जानकारी दूंगा कि ट्रायंगल हार्ट की आप कैसे देखभाल करें कि आपके गार्डन में भी इसी तरह हरा भरा बना रहे प्लांट। और बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, एक सर्कुलेंट प्लांट है, इसको ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए और इसकी पत्तियाँ भी बहुत मोटी मोटी रहती है, इसी वजह से ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और हैंगिंग बास्केट लिए एक परफेक्ट प्लांट है, मैंने भी हैंगिंग बास्केट में लगाया है, बहुत बड़ा हो गया है। तो आज मैं इसी की आपको कुछ केयर टिप्स बताऊँगा, इसकी देखभाल और इसको कौन सी खाद देनी चाहिए ताकि हमारा प्लांट बहुत ही हेल्दी और जल्दी से बड़ा हो जाए। तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो ये सब दिख रहे वो सब कटिंग से लगे हुए प्लांट है मेरे, और जो बड़ा प्लांट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये लगभग एक साल से इसी में लगा हुआ है और हाइट काफ़ी बड़ी हो गई है। अब इसका मुझे क्या करना है कि कट करना है और पूरा अलग से मैं नए प्लांट इसमें नई कटिंग लगाऊंगा ताकि इसमें ग्रोथ अच्छी हो और वापस से फिर से स्टार्ट हो जाए ग्रोथ। ये देखिए ये कितना लंबा हो गया हाइट, इसी वजह से ऊपर की पत्तियां क्या अब सर्दियों में थोड़ी थोड़ी झड़ गई है। और इसमें फ्लावर देखिए, फ्लावर आ रहे, दोनों हैंगिंग बास्केट है, देखिए ये वाला भी पूरा इस तरह से। मैं धीरे धीरे करके थोड़ा वर्क कर रहा हूँ इस पर, और मैंने एक में तो कटिंग लगाई थी वो देखिए सक्सेसफुली ग्रो भी हो गई है। ये मैंने स्पाइडर प्लांट का हैंगिंग बास्केट बनाया था, उसमें ये कटिंग सब लगा दी है। तो आज हम ट्रायंगल हार्ट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे ज़रूरी बात आती है पहले इसकी मिट्टी की, कि जब आप प्लांट बना रहे हो, प्लांट लगा रहे हो, तो इसकी मिट्टी कैसी बनाए हम ताकि आपका प्लांट कभी ख़राब ना हो। और इतना नाजुक रहता है कि थोड़ा सा छूने पर भी ये टूट जाता है। तो मैंने जो ये प्लांट लगाया है हैंगिंग बास्केट में, इसमें देखिए आप कि मिट्टी भी नहीं दिख रही, कुछ नहीं, कितना फैल गया है एक साल में। तो जिस तरह से मैं अडेनियम प्लांट की मिट्टी बनाता हूँ उसी तरह से मैंने इसकी मिट्टी बनाई थी। इसकी मिट्टी ट्रायंगल हार्ट की मिट्टी बनाने के लिए मैंने लगभग 30 से 40% जितना मैंने रिवर सैंड ली थी, और 30% नॉर्मल गार्डन सॉइल, और 10% के राइस हस्क मिलाए थे जो चावल की भूसी आती है वो, और 10% वर्मी कंपोस्ट। तो इस तरह से मैंने इसका सॉइल मिक्स तैयार किया था और मैंने प्लांट को लगाया था। आप चाहे तो नॉर्मल गार्डन सॉइल और वर्मी कंपोस्ट और मिला के भी लगा सकते हो, पर अगर गार्डन सॉइल आपकी बहुत ज़्यादा चिकनी है तो उसमें आप रिवर सैंड जरूर मिलाइए। हैंगिंग बास्केट में आप प्लांट लगा रहे हो तो उसमें क्या है कि आप कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लगभग 30% जितना उसमें आप रिवर सैंड लीजिए, और 20% जितना कोकोपीट, 20-30% कोकोपीट, 20% जितनी नॉर्मल गार्डन सॉइल, और राइस हस्क को तो थोड़े से राइस हस्क 10-20%, और वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, किचन वेस्ट जो भी हो आप यूज़ करिए ताकि आपके जो हैंगिंग बास्केट है उसका वजन, मिट्टी का वजन थोड़ा कम हो। तो इसी तरह से मैंने जो लगाई ट्रायंगल हार्ट उसमें वाइन की भी हाइट काफ़ी लंबी हो गई है तो वजन भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं उसको कट करके नए से लगा दूंगा। तो इस तरह से आप इसकी मिट्टी बनाओगे तो बहुत ही अच्छे से आपका प्लांट चलेगा। और इसको धूप की रिक्वायरमेंट की बात करूं तो इसको धूप ज़्यादा नहीं चाहिए, सेमी एरिया में रखो, एरिया में रखोगे आप तो बहुत ही अच्छे से चलेगा, जहाँ पे बस अच्छी सी लाइट आती हो, धूप ना मिले, बस एक आध घंटे की धूप मिल जाए तो बहुत ही। ज़्यादा धूप मिलने पर ये प्लांट इसकी पत्तियों का कलर चेंज कर देता है, थोड़ा ब्लैक हिस्सा डार्क का थोड़ा थोड़ा ब्लैक पड़ने लगता है इसकी जो स्टेम होती है ये, और छांव में रहता है। तो देखिए आप, इसमें मैंने दो तीन कटिंग सब में लगाई थी, और देखिए पूरे पूरे गमले भर दिए हैं। तो इसको कटिंग से लगाना भी बहुत आसान है, इसकी छोटी सी कटिंग आपको मिल जाए, तो देखिए ये छोटी सी कटिंग मिल जाए
तो इसको गमले में रख दीजिए, बस थोड़ी सी ऊपर मिट्टी डाल के, तो धीरे धीरे करके इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और इस टाइम गर्मियों में इसकी बहुत ही अच्छे से ग्रोथ होती है, देखिए आप देख सकते हो। बस इसको आप ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे इसको धूप ना लगे, क्योंकि धूप लगेगी तो प्लांट ख़राब हो जाता है, तो इसलिए ऐसी जगह पे रखिए जहाँ धूप ना लगे, तो आपका प्लांट बहुत ही अच्छे से चलेगा। तो आपका और कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और आपको मेरा वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। ये देखिए मेरे सारे गमलों में कटिंग लगी हुई है और बहुत ही अच्छे से चल रही है। ओके फ्रेंड, बाय।